हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब में, मेरे चैनल में रेणुका कुशवाहा के साथ। अभी आप ब्लॉक प्रिंटिंग बनाएंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हमें आलू की ज़रूरत होगी। ये नया डिज़ाइन है जो हम घर पे ही बनाएंगे और घरेलू सामान से ही बनाएंगे, जो कि हमारे किचन में यूज होता है। भिंडी आलू का हम यूज करेंगे और इसी से हम ब्लॉक बनाएंगे। और एक फोम का यूज करेंगे जिसमें हम कलर कलर डालेंगे। एक प्लेट की ज़रूरत होगी जो हम इस तरह से सेट कर देंगे और इसमें कलर डालेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कैसे इसे बनाते हैं। और हमें इस कलर की ज़रूरत होगी। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप कपड़े पे भी कर सकते हैं डिज़ाइन और पेपर में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। और यूज़ करने के बाद इस फोम को आप धो सकते हैं और दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है ये डिज़ाइन। आइए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू को दो भागों में काटेंगे, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम लाइन बना लेंगे ताकि हम इजीली इसमें कोई सा भी फ्लावर या डिज़ाइन हम खुद से बना सकें। आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये हमारा सर्कल हो गया। अभी लग रहा थोड़ा टेढ़ा है तो हम इसको ठीक कर लेंगे। यदि आपको इसमें खाली स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे होल करेंगे, और यदि हमें ये पूरा फ्लावर चाहिए तो हम फिर यहाँ साइड में होल करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से हम यहाँ होल करेंगे। ऐसे ही साड़ी में कर लेंगे। से निकालना है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में हम होल करेंगे। इस तरह से हम सब में एक एक करके होल कर लेंगे। आराम से कीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा कट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहाँ से जो हमारा सर्कल है यहाँ से भी हम निकालेंगे पूरा। इसको डबल लाइन लाइन देंगे। इस तरह से हम साइड से काट लेंगे।
हमारा ब्लॉग बन गया है, अभी हम इसे ट्राई करेंगे अच्छा बना है या नहीं, फिर हम अच्छे कपड़े पे करेंगे। पहले इसका फिनिशिंग हम चेक कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन। इसी तरह से आप और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ये मैं बनाई हूँ पहले से। इसे हम पेपर पे ट्राई करेंगे। इस तरह का हम एक स्पंज लेंगे और उसे ऐसे सेट कर देंगे और यहाँ पे कलर लगा देंगे। पेपर पे करना हो तो हल्का वाटर का यूज कर सकते हैं, कपड़े में बिल्कुल भी वाटर नहीं लेंगे, कहीं भी पानी का यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कलर से करेंगे, नहीं तो वो फिर वो कलर निकल जाएगा। आप इस तरह से इसमें पेंट लगा दें और आप देख सकते हैं हमने जो बनाया था इसका अभी हम ट्रायल करेंगे, यदि कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम इसका शेप देंगे, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कलर ले लिया, इसे हम इस तरह से एक बार डीप करेंगे फिर बनाएंगे, एक बार डीप करना है फिर बनाना है। अभी थोड़ा सा बीच में खाली करना होगा तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम ये वाला डिज़ाइन ट्राई करेंगे, कलर को अच्छी तरह से दो बार डिप करेंगे ताकि चारों तरफ हमारा कलर आ जाए। फिर आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन, इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं आपको बिंदी से डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बिंदी को हम कट करेंगे, आपको जितना छोटा चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं बिंदी। यदि आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा, छोटा चाहिए तो छोटा। यहाँ हम या तो इसे अंदर कर देंगे या फिर हम इसे बाहर निकाल देंगे, देख सकते हैं। अभी हम इसको डीप करेंगे और थोड़ा और डार्क चाहिए, थोड़ा हाथ से दबाना भी है इस तरह से। ये हम अभी ट्रायल कर रहे हैं कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। हम दूसरा ट्राई करेंगे। हमारी कलर फिनिश हो गई थी अभी, अभी हम दोबारा से फिर ट्राई करेंगे। बिंदी को हम चेक कर लेंगे कि हमारा सबसे अच्छा डिज़ाइन किस भाग से बन रहा है, हम काट के उसे देखते रहेंगे, है ना। अभी आप देखिए इस तरह से पूरा फ्लावर आ रहा है। फिर एक और हम बनाएंगे, जो आपको अच्छा लगे बिंदी को काट के आप देख लीजिए, जो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए आप उसी का बनाइए। ये दो तरह की हो गई, एक इसमें लाइन है और इसमें बीच में स्टार बन रहा है, तो आप इसमें भी दो तरह के डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको फ्रेश पेज में बना के दिखाऊंगी। यदि हमें पेपर के किनारे में डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगी।
यदि हमें किसी पेपर को डेकोरेट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले हम कॉर्नर में एक बनाएंगे, इस तरह से सारे कॉर्नर में बना लेंगे। इस तरह से और बहुत इजी तरीके से बहुत ही जल्दी आपका पेपर डेकोरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पेपर बहुत ही जल्दी आप बॉर्डर बना सकते हैं किसी पेपर का या सूट में गले का डिज़ाइन जो आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं एक साइड का हमारा बचा हुआ है। पेपर के नीचे सिर्फ पेपर नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा मोटा होगा आपका उतना ज़्यादा सुंदर बनेगा, इसलिए पेपर को सिंगल पेपर नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने 3-4 पेपर का यूज किया है नीचे और ये आपका खूबसूरत सा पेपर का बॉर्डर बन गया और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप बहुत सारा पेपर रेडी कर सकते हैं। आप इस तरह से दो कलर का बना सकते हैं या फिर सिंगल कलर भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। इसको हम सेंटर में लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो और भी बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। तरह से और फिर साइड में हम ये दूसरा डिजाइन देंगे। आप देख सकते हैं ऐसा यदि हो जाए तो फिर क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ ध्यान से रखेंगे ब्लॉक को मैच करते हुए। इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है। आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे होंगे। ये मैंने आपको एक नया डिज़ाइन बनाया है। यदि आपको जल्दी में करना है और आपके पास कोई डिज़ाइन नहीं है बनाने के लिए तो आप इस तरह से अपने सूट में या फिर कहीं भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अपने बेडशीट में भी कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट डाल सकते हैं पेंटिंग करने के बाद। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मैं जो भी नए वीडियोज बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।